यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी जाती है कि बढ़िया सड़क डाली जाए। हम घोषणा मंत्री नहीं हैं, हम काम करने वाले मंत्री हैं। मंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर गुणवत्ता में खिलवाड़ किया जाए तो हमें बताएं। अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कैबिनेट मंत्री संभल में वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे थे। मैं घोषणा नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग कोई घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहते, हम काम करने वाले मंत्री बनना चाहते हैं, क्या समझे बच्चे? मगर मैं बता रहा हूँ कि जो आई है डिमांड, इस पे हमारा विभाग, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश कि हम काम करने में यकीन रखते हैं, तो बिलारी डारनी मार्ग ये काफी दूर है यहाँ से, चंदौसी और दूसरी मऊ कठेर से फतेहपुर शमसोई होते हुए चंदौसी मार्ग, ये भी दूर है यहाँ से। नहीं, गांव इलाके जी से मतलब नहीं है, सड़क गड़बड़ा कि नहीं गड़बड़ा? गड़बड़ा है, गड़बड़ यही पास में है ना, तो उसे बनवाते। एक और जो विशेष मांग है और इस क्षेत्र की आस्था से जुड़ा हुआ मार्ग है, वो वंश गोपाल तीरथ परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत ग्राम खानपुर कुमार से हिरोजपुर मार्ग जाते हैं वहां पे, हम जाते हैं वहां पे, कौन कौन जाता है हाथ खड़ा कर दिखाओ, 1 2 3 4 फायदा उठा लूं। ये आप लोग सुन लीजिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा, सड़कों में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। मैं आपको चेतावनी देके जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है कि नहीं? अगर सड़क गड़बड़ बनेगी तो बताना मुझे और इन सबको यहाँ पे, ठीक है? तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और गुणवत्ता से कोई समझौता किसी तरीके का बर्दाश्त नहीं होगा और सभी सड़कें बनाई जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप लोग मुझे विश्वास दिलाइए कि ये वृक्षारोपण अभियान आप सब लोग अपना समझ के इसको आगे बढ़ाएंगे।